Good morning. This is SK Singh presenting here new video for you people. जितने भी बच्चे हैं सभी नोट्स लेके तैयार हो जाएं और नए जोश के साथ नए वीडियो के साथ. तो ये वीडियो आपके लिए चैप्टर 8 लाए हैं जो त्रिकोणमिति चल रहा है हम लोग का सिलेबस. जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है लास्ट 2 वीडियो में, तो उसका अब मैं चैप्टर डील करूंगा. जो पहला चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का, तो वो सारा चैप्टर वन बाय वन प्रॉब्लम मैं डील करूंगा. एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम है ये, और फिर मैं एग्जांपल कुछ आप लोग को टास्क प्रोवाइड करूंगा जो आप लोग खुद से ऑनेस्टली बनाओगे. ये मेरा होप है कि आप लोग ज़रूर बनाओगे. और मेरा वीडियो पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये प्रॉब्लम सारे. तो आप लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए तैयार हो जाएं. एनसीईआरटी का पूरा फर्स्ट चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो जुड़ जाएं सभी बच्चे और देखें फर्स्ट चैप्टर क्या है. तो ये एनसीईआरटी का 8.1 फर्स्ट चैप्टर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो यहाँ पे. तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, नेक्स्ट कॉस साइन सी कॉस सी. देखिए वन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम नीचे लिख दिया गया है. सेम प्रॉब्लम हिंदी में लिख दिया गया है. त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए. तो आप देख सकते हो किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस ए का. दूसरे में दिया हुआ है साइन सी कॉस सी का. तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है वो लिखेंगे हम लोग. गिवन क्या डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे एंगल बी बोल रखा है 90 डिग्री है, समकोण है, राइट एंगल है. और क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल, जो कि बी समकोण है, राइट एंगल है, और ए सी जो है ये यहाँ पे हाइपोटेनस है. तो आप देख सकते हो ए बी गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर और ये बी सी 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमें निकालना है. दैट इज ए सी यू कैन फाइंड फ्रॉम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये सारे फॉर्मूले मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे वाले वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखें पहले जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो. ये कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मैंने लिखा है. अब यहाँ पे आप ए सी निकाल सकते हो, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यू कैन राइट हियर 24 576 प्लस 49. सो इफ यू विल ऐड इट बोथ, इफ यू विल ऐड इट, सो यू विल गो टू व्हाट, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सॉरी, यहाँ पे ये दोनों ऐड करने के बाद 625 आएगा. तो इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल बोले, तो ये 25 आएगा बाहर. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें निकालना है क्या, साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए. आप देख सकते हो ऊपर जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, जो कि मैं पीछे वाले वीडियो में
ये साइन ए कॉस ए तो निकाल चुका था, ये प्रॉब्लम शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं चलता हूँ साइन सी कॉस सी की ओर। तो आप देख सकते हो साइन सी क्या है यहाँ पे, साइन सी यदि लिया जाए, ये एंगल लिया जाए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और बेस हो जाएगा 7। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो हाउ मच यू विल गेट फॉर साइन सी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 है और हाइपोटेनस 25 हमने निकाला है। फिर आप जाओगे कॉस सी की ओर, तो यहाँ पे कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा कॉस सी के लिए, 7, दैट इज बी बाय एच, जो फॉर्मूला होता है 7/25। ये दोनों निकालने के बाद आपको फाइनल क्या पूछा है वो प्रॉब्लम में, दूसरे नंबर प्रॉब्लम में, पहला तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरे में पूछा है साइन सी इंटू कॉस सी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 24/25 इंटू 7/25। तो यहाँ पे 8 7 2 जाए 14, 2 16 डिवाइड बाय 6 25, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। फर्स्ट का सेकेंड प्रॉब्लम ये मैं डिस्कस किया यहाँ पे, आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड वन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड वन जो दिया हुआ है फिगर में, तो यहाँ बोला है इन फिगर 8.31 दिस वन, सो फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p दिस वन, कॉट आर दिस वन। तो दोनों अलग अलग एंगल लेके उन्होंने पूछा है कि दोनों को यदि सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या वैल्यू आएगा वो आप बता दें। तो यहाँ पे फिगर दे रखा है इन्होंने, तो जस्ट यहाँ पे गिवन लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है और फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यदि लिखेंगे कि फोर फोर एंगल, फोर एंगल आर के लिए क्या होगा, तो ए बी एंगल आर के लिए पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि लंब होता है ना, और फोर एंगल पी के लिए आप कह सकते हो पी क्यू क्या होगा, आधार हो जाएगा और क्यू आर हो जाएगा लंब। तो आप समझ सकते हो कि अभी मैं हमें फाइंड क्या करना है, टेन टेन पी एंड कॉट आर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 12 और 13 मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या देगा यहाँ पे, 169 माइनस 144। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट 25, सॉरी यस 25। तो बाहर जब आएगा तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर का वैल्यू है, आप देख सकते हो क्यू आर का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड करना क्या है, 10p माइनस cot r। तो 10p पी एंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर। तो 10 होता है पी बाई बी, पर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब की कौन सा हो जाएगा, पी के लिए यहाँ लिख दिए लंब हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर कितना है अभी निकाले हैं, 5 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार 12 माइनस कॉट आर, कॉट आर के लिए आधार बटे लंब,
तो यहाँ पे कॉट के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो क्यू आर, तो यहाँ पे फिर से वही 5/12 दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा, है ना, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और जीरो आंसर यहाँ पे देगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रॉब्लम की ओर। तो 3 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है साइन ए गिवन है यहाँ पे 3/4। अब हम जानते हैं साइन क्या होता है, पी बाय एच, तो हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर पी स्क्वायर क्या है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, तो उस फॉर्मूले पे बैठाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, तो √7 हो जाएगा ये। और नेक्स्ट अभी हमको पूछा है इन्होंने कॉस ए, यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या पूछा है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, सो बेस क्या है यहाँ पे √7/4 आंसर। फिर टेन ए पूछा है, तो टेन ए हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बाय बेस क्या अभी निकाले हैं 7, तो ये दोनों आंसर हो गया। फिर चलते हैं आगे 4th नंबर प्रॉब्लम की ओर। 4th नंबर में सेम वही चीज़, साइन ए कॉस ए निकालना है। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं यहाँ पे कि कॉट गिवन है यहाँ पे क्या, कॉट 15 a = 8, तो कॉट a लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/15, और हम जानते हैं कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, एच निकालना है, अंडर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यू कैन पुट हियर वैल्यू फॉर पी, पी इज हाउ मच 15 स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज हाउ मच 8 स्क्वायर, यू कैन राइट। सो 15 स्क्वायर हाउ मच 15 स्क्वायर, सो 225 + 64, इफ यू एड इट यू विल गेट हाउ मच 5962 8, सो दिस इज विच वन, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 289, सो 25 15, हाउ मच 25 16 17 17 का ये स्क्वायर रूट होता है, आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ से क्या सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, कुछ यहाँ पे नहीं बताया है कि क्या है, तो हम लोग ने यूनिट यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम जाएंगे क्या जो पूछा है उन्होंने, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए के। तो साइन ए होता है यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 15 बाय हाइपोटेनस 17। नेक्स्ट है सेक ए, तो सेक ए आप जान सकते हो कि हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस 17 है, अब बेस क्या है 8, तो ये दोनों हो गया आंसर जो उन्होंने पूछ रखा है प्रॉब्लम में। आगे बढ़ते हैं
और चलते हैं सिक्स नंबर फाइव नंबर प्रॉब्लम की ओर। तो फाइव नंबर प्रॉब्लम में दे रखा है सेक थीटा। इस प्रॉब्लम को आप लोग डील कर सकते हो। सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सॉरी सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा यहाँ पे गिवन सेक थीटा 13/12। तो यहाँ पे सेक थीटा हम जानते हैं हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो अभी तुरंत इस चीज़ को देखे थे, एक बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1, एक बार घटा देंगे तो 1 और जोड़ देंगे तो 25। अब सीधा सीधा 5 निकाल लेंगे बाहर। अब पूछा जो है यहाँ पे, इन्होंने पूछ रखा है सारा चीज़ कि साइन थीटा बताएं, सारा त्रिकोणमिति रेशियो ही पूछ रखा है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है, पी बाय एच। कॉट थीटा क्या होता है, वी बाय पी, मतलब बेस बाय आधार बटे लंब। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से कॉसेक थीटा, सभी का वैल्यू रख देना है वही आंसर। जैसे साइन थीटा पी बाय बी, पी कितना आया 5, एच कितना आया, एच कितना है 13, हो गया आंसर। तो इसी तरह कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाय पी। तो इस तरह से आप फॉर्मूले का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको आसानी होगा आगे के चीज़ समझने में, और आगे का जो चीज़ होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे और थ्योरी भी जो भी पार्ट आएंगे वो आपको आसान होगा समझने के लिए, फॉर्मूला और आपको प्रॉब्लम भी। तो आप लोग फॉर्मूला ज़रूर लिखें और समझते जाएं। तो आगे का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रखें ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें साथ में। तो आगे देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में सभी कोई क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं ताकि वो भी समझ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट कॉस ए इक्वल टू सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। अब हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं नाइन्थ में भी बेसिक चीज़, यदि कोण दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा बराबर होता है। मतलब इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल देन इन फ्रंट ऑफ दैट एंगल वॉट एवर साइड इज देयर इन ट्रायंगल दैट ऑल्सो इट विल इक्वल। So you should understand this is basics from 9th, you can study already, right? So already you have studied, so you understand what I'll deal here. So first what he given in problem, so he given here cos A equal to cos B, that is first one he given cos A equal to cos B. I'll take equation 1. Next what he given angle A and angle B are acute angles. So acute angle, it means both are acute then less than 90, both are less than 90. So if I'll draw the triangle, यदि यहाँ पे triangle draw करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, C 90 डिग्री देगा, पर A और B दोनों क्या देगा, A और B दोनों एक्यूट एंगल देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि A और B एक्यूट एंगल देगा। तो हम जस्ट मान लेते हैं यहाँ पे कि A के सामने का जो लेंथ है ये स्मॉल A है, B के सामने का लेंथ जो है स्मॉल B है,
और सी के सामने का जो लेंथ है स्मॉल सी है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए, तो हम लिख सकते हैं क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। फॉर ए व्हाट इज बेस, बी इज द बेस, तो यहाँ पे बी बाय सी लिख सकते हैं। फिर कॉस बी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस बी के लिए क्या हो जाएगा, ए, ए बाय सी, ये दोनों आएंगे। अब दोनों को यदि डिवाइड कर दें, दोनों को, इफ नाउ रेशियो, मतलब अभी अनुपात में लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय कॉस बी, तो यहाँ क्या देगा, बी बाय सी डिवाइड बाय ए बाय सी, ये चीज़ देगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं बी बाय सी, ए बाय सी, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बाय सी इंटू सी बाय ए, ये बेसिक हम बता चुके हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा बी बाय ए। बी बाय ए क्या दिया, कॉस ए बाय कॉस बी, पर फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, कॉस ए, तो लिख सकते हैं कॉस ए बाय कॉस ए या कॉस बी बाय कॉस बी, ये भी लिख सकते हैं, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या यहाँ से मिलेगा, ए इक्वल टू बी, ये मिलेगा, क्योंकि उधर तो वन हो गया और दोनों साइड क्रॉस करेंगे तो ये ए इक्वल टू बी देगा। अब यदि ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हो जाए तो उसके सामने का जो भी एंगल है वो आपस में इक्वल होता है। ये आइसोसेलस ट्रायंगल का द्विघात, सॉरी, ये आइसोसेलस मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव, वेरीफाई कर दिए, क्योंकि यहाँ साइड्स इक्वल है तो वो क्या होगा, वो एंगल भी इक्वल होगा। अब चलते हैं सेवन नंबर की ओर, प्रॉब्लम की ओर। सेवन नंबर में आप देख सकते हो, मैं जस्ट यहाँ पे हिंट देंगे, आप लोग बना के आओगे इसको, तो यहाँ दिया हुआ गिवन, व्हाट दे गिवन हियर, कॉट थीटा इक्वल टू सेवन बाय एट दे गिवन, वी नो दैट कॉट थीटा इज नथिंग बट बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट और नॉट, सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट विल डिफाइन द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वी कैन डिफाइन व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ये दोनों का स्क्वायर करते हैं। अब ये सारा फॉर्मूला मैं बेसिक बता चुका हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ सेवन का स्क्वायर, सॉरी एट का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 64 प्लस 49, सो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे 9 थ्री जाए 3 13 6 4 11, सो देर इट विल गिव 113। अब इसे देने के बाद अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या, तो हाइपोटेनस पता चल गया आपको 3 करेक्ट नो दिस एडिशन 9 4 13, सो 6 4 जाए 10 एंड नेक्स्ट 1 इज रेस्ट, सो 113 इतना आएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सी हियर, नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे इसको डील किया जाए तो आप कह सकते हो मेरे पास फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हम मेरे पास होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस चीज़ को लिखते हैं। आप देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ आप देख सकते हो a वन को माना जाए और साइन थीटा को b माना जाए, तो सेम यही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
नीचे भी वही चीज़ है, यदि ए इस वन को माना जाए कॉस थीटा को बी, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं ये चीज़ ये फॉर्मूला से, तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप इस चीज़ को लिखने के बाद क्या लिख सकते हो, वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने बता चुका है कि इसको लिखते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और इस चीज़ को लिखते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर में है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वो फाइंड करने का ज़रूरत भी नहीं था कि आपको कितना पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49/64। सेम वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे कॉट दूसरा नंबर में कि आप बता दें कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये भी कॉट स्क्वायर ही है और दूसरा नंबर भी कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, आप फिर से बना सकते हो। ये चीज़ आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है कि आप कभी कभी पूछ देगा इसी तरह का प्रॉब्लम देके पूछेगा कि प्रूफ करें कि इतना इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम की ओर, 8 नंबर प्रॉब्लम, सेम यहाँ पे कॉट 3a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप लोग कॉट a इक्वल टू लिख सकते हो 4/3। अब फिर हाइपोटेनस निकाल लेंगे क्योंकि बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे और यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू रख देंगे और दो टेन ए का वैल्यू रख देंगे और फिर एलएचएस निकालेंगे, उसी तरह आरएचएस निकालेंगे, दोनों को निकाल के देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है, यदि है तो यस, यदि नहीं है तो नहीं, यहाँ पे पूछ रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 8 तक प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, यदि 8 नंबर नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर 8 नंबर को भी लेके आऊँगा अगले सेशन में। तो अगले इस सेशन के लिए मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और नए एनर्जी आप गेन करते रहिए ये वीडियो के माध्यम से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।